क्या कॉफी विद करण में खुलेगा सनी और डिंपल के अफेयर का राज? सीक्रेट रिश्ते को लेकर सवाल पूछने की लोगों ने दी करण को चुनौती। कॉफी विद करण के दूसरे एपिसोड में नजर आएगी देओल ब्रदर्स की जोड़ी। तो क्या करण के शो में खुलेंगे धर्मेंद्र के दोनों बेटों की जिंदगी के राज? जी हाँ, बी टाउन में इस वक्त फिल्म मेकर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के 8वें सीजन की खूब चर्चा हो रही है। आखिर जहां इस बार शो की थीम फैमिली बेस्ड है, तो शो के पहले मेहमान बने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी लगातार मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बन गए। करण के शो में दीपिका ने अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए जिसके बाद लोगों ने उन्हें अपने आड़े हाथों ले लिया। वहीं अब करण के शो के दूसरे एपिसोड में आने वाले मेहमानों की डिटेल्स भी सामने आ गई। वही दीपिका रणवीर के बाद अब बॉलीवुड के देओल फैमिली से देओल ब्रदर्स की जोड़ी जो इस शो में आने वाली है, और इस बात को खुद शो के होस्ट करण ने ही सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बताया। दरअसल करण ने अपने इंस्टा हैंडल से अपने शो का एक लेटेस्ट प्रोमो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने अपने शो में सनी और बॉबी के आने की एक छोटी सी झलक दिखाई। अब करण के शो का ये प्रोमो तो हम आपको कॉपीराइट इश्यूज की वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन इस प्रोमो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बहस छिड़ गई। आखिर जहां सनी और बॉबी करण के शो में गदर 2 के सुपरहिट होने से लेकर अपने पापा धर्मेंद्र के रॉकी और रानी में शबाना आजमी संग किसिंग सीन को लेकर बातें करने वाले हैं, वहीं कुछ नेटिजन्स से करण के सामने खास डिमांड भी रख दी गई। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि करण सनी पाजी से उनके और डिंपल कपाड़िया के सीक्रेट अफेयर को लेकर सवाल पूछे और उनसे इस राज को खोलने के लिए कहें। तभी तो शो के लेटेस्ट प्रोमो के कमेंट सेक्शन में एक के बाद एक लोगों ने कमेंट्स करण को ऐसा करने का चैलेंज दे दिया। एक शख्स ने कमेंट कर कहा, करण मैं तुम्हें सनी से डिंपल के बारे में पूछने की चुनौती देता हूं। एक ने कमेंट कर लिखा, मैं तब आपको सही मानूंगा जब आप सनी से उनके अफेयर को लेकर सवाल पूछोगे। एक यूजर ने यह भी लिखा, क्या चाहते हो, सनी पाजी अपने 2.5 किलो के हाथ से करण की कॉफी बना दें? तो एक ने तो यह तक कह दिया, अब देओल परिवार में पक्का दरार आएगी। इनके अलावा ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने करण को इस तरह के सवाल सनी से पूछने की डिमांड की। अब देखना होगा कि करण क्या वाकई सनी से उनकी निजी जिंदगी से जुड़े इस सवाल के शो में पूछेंगे या नहीं। लेकिन हम आपको ये जरूर बता दें कि पूरे 18 साल के बाद करण अपने शो में सनी और बॉबी का स्वागत करने वाले हैं। साल 2005 में करण के शो के पहले सीजन में सनी देओल बतौर मेहमान बनकर पहुंचे। इसके बाद सनी दोबारा शो में कभी नहीं आए। वहीं बॉबी देओल साल 2007 में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के साथ फिल्म झूम बराबर झूम को प्रमोट करने पहुंचे। ऐसे में देखना होगा कि कॉफी विद करण में इतने सालों बाद लौट रहे सनी और बॉबी होस्ट करण के किन किन सवालों के जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।